हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरी फिर से एक नई वीडियो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से, और वो भी दुकान से। देख सकते हो, ये रही हमारी दुकान, और हमारी दुकान अंडा नगर में ही है, जनरल महादेव स्टोर। तो मुझे बहुत सारे लोग पूछते कि तुम्हारी दुकान कहाँ पर है, तो हमारी दुकान अंडा नगर में है, करोड़पुल जनरल महादेव स्टोर। अगर आप लोग कभी आएंगे तो आना जरूर दुकान में। तो अभी मैंने झाड़ू तो मार दिया है और अब थोड़ा सफाई वगैरह करना है, कॉलेज भी जाना है, और फिलहाल तो मैं सफाई कर लेती हूँ। और आप लोगों को मैं आज का मौसम भी दिखा देती हूँ, आज का मौसम कैसा है क्या है। तो दोस्तों, अभी हमारे देख सकते दुकान पर चाय भी आ गया है, तो हम चाय पी लेते हैं और चाय पी लेते हैं, क्योंकि चाय दिखा रही हूँ तो रंग बना रहा गिर जाए सकते हैं। मैं दूध वाला नहीं पीती हूँ, लाल पानी पीती हूँ, मुझे अच्छा लगता है लाल पानी। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो आज का मौसम कुछ इस प्रकार है। मतलब सुबह तो बारिश लगी थी और अभी हल्की सी धूप लग गई है। देख सकते हो, अभी तो मार्केट पूरा सुन हो रखा है, क्योंकि अभी गाड़ी वगैरह नहीं आई गांव से, तो इसलिए अभी मार्केट सुन है इधर। और हम लोग जा रहे हैं अभी कॉलेज, मेरी दोस्त आने वाली है, फिर जाएंगे हम दोनों साथ में। तो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं कॉलेज, देख सकते हो सभी दोस्त लोग पीछे से आ रहे हैं, और जल्दी से हम लोग कॉलेज जाएंगे। सबकी क्लास शुरू होने वाली है और लेट हमें हो गया, देख सकते हो। ये देख सकते हो हमारे कॉलेज की लड़कियों की हाल, पढ़ाई कर रही है पेपर वाला। तो बस आजकल हमारे कॉलेज में परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं, तब जाके थोड़े बहुत बच्चे दिख रहे हैं, आप लोग देख लेंगे सबके आते फॉर्म हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हैं कॉलेज से और हमारी क्लास ख़त्म हो गई है, और 1 बज गई, देख सकते हो हम लोग की क्लास ख़त्म हो गई। और एक बात बताऊँ, इसके बाल देखो मम्मी, इसके बाल तो एक बाल दिखा अपना, तो देखो उसने अपने कितने लंबे बाल थे, देखा होगा आप लोगों ने मेरी वीडियो में, उसने पूरी बाल काट दी पता नहीं क्यों। और अभी हम लोगों ने जाना है हॉस्पिटल जल्दी से, बारिश भी लग रही है, हल्की हल्की बारिश लग रही है, लेकिन मौसम पूरा ख़राब हो गया। तो हम लोग अभी पहले हॉस्पिटल जाते हैं जल्दी से, और फिर मिलते हैं आप लोगों से। बारिश लग गई भाई बहुत ज़ोर की ना, सीधा चलते, बहुत ज़ोर की बारिश लग गई, देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आ रखी हूँ हॉस्पिटल में, और मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो मुझे ना अपने दांत का इलाज करना था, क्योंकि मैंने सोचा था दांत में मैं मसाला भर लूँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा दांत में मसाला भरने से अच्छा है तुम्हें दांत निकालना पड़ेगा, क्योंकि बाद में फिर इन्फेक्शन हो सकता है तुम्हारे दांतों में। तो फिर मैंने बोला कि आप निकाल ही दो, बार बार से अच्छा है, क्योंकि बार बार दर्द करने से अच्छा है कि एक बार ही फेंक देती हूँ उधर। तो मैंने डॉक्टर को बोल दिया कि उधर निकाल दो, देखते हैं कितना दर्द होता है क्या होता है। और अभी तो भाई क्या ही बोलना, अभी तो पहले ना सुई लगी, देखो अभी सुई लग रही है, अभी ना पहले दांत को सुन किया जाएगा, नहीं तो फिर दर्द होगा बाद में निकालते टाइम। तो अभी पहले वो सुन कर रहे हैं, लेकिन सुई लगाते टाइम में थोड़ा बहुत दर्द होता है, क्या ही बोल सकते हैं। और इसके बाद निकालेंगे दांत, देखते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो अभी मेरे दांत निकाले जा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे ही पता है वो तो। और अब फाइनली मेरा दांत निकलने वाला है, और ज़िंदगी भर का दर्द गया है शमशान घाट में। तो गाइस, फाइनली देख सकते हो दांत निकाल ही दिया।
तो मैंने देखो इसको, मैं कॉलेज से भी आ गई हूँ और मैंने बताया था कि मैं अभी हॉस्पिटल गई थी, वहाँ पर निकाला। मैंने अभी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, मुझे लगा मैं थोड़ा मसाला भर लूँ उसमें, लेकिन डॉक्टर ने कहा बाद में इन्फेक्शन होगा इसलिए निकाल ली। तो मैंने पूरा निकाल दिया,